दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्राई कोकोनट बर्फी। तो दोस्तों आप इस जन्माष्टमी अपने घर पर जरूर बनाइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है 1 कप ड्राई कोकोनट पाउडर, जो सूखा गोला आता है उसको हमने छोटा छोटे पीस में काट कर अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरीके से इसका दरदरा पाउडर बनकर तैयार है। अब हम रखेंगे इस पर एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 3/4 कप चीनी, 1 कप से थोड़ी सी कम है और 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी है। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1/2 कप से थोड़ा कम पानी और इसकी हम 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो 1 तार की चाशनी बनकर तैयार है। अब हमने जो ड्राई कोकोनट का पाउडर बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें डाल लेंगे। उससे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे ड्राई कोकोनट पाउडर। इसको हम अच्छे से चलाएँगे और गैस को हमें इस वक्त धीमा रखना है। तो अब इसको हम चलाते हुए पकाएंगे और गैस को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। जब तक हमारे जमने की कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा तब तक हम इसको पकाएंगे अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर ये अच्छे से जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम कर देंगे गैस को बंद और हमने एक थाली ली है उसकी हम बैक साइड अच्छे से हमने घी से ग्रीस कर ली। उसी में हम सारे बर्फी का मिक्सर डाल देंगे और अच्छे से इसको हम सेट कर लेंगे। अब इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे चम्मच की सहायता से। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो दोस्तों अच्छे से जमकर तैयार है। अब इसको हम कट करेंगे। तो आप देख सकते हो नीचे से भी अच्छे से चिपकी नहीं है, बिल्कुल अलग हो गई है थाली से। और अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इसको अच्छे से हम काटेंगे। चाकू भी हमारा गर्म हो गया है तो संभाल कर इसको काट लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों हमारी गोले की बर्फी बनकर तैयार है। दोस्तों आप इस जन्माष्टमी अपने घर पर जरूर बनाइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब फिर मिलते हैं अगली एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।